हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक पाराशर आज आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अपने फोर्थ लेक्चर के साथ आया हूँ। लास्ट 14 ईयर्स से द ट्यूटर्स एकेडमी मेरठ में पढ़ाता रहा हूँ, द डायरेक्टर आउट देयर। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर भी काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे हमने जो भी एक्सपीरियंस लास्ट 14 ईयर्स में NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया है, उसी को फोकस करते हुए हम आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार वीडियोस में कभी नहीं बोलता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी भी चीज के लिए, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, वीडियो देख के समझ में आ रहा है और आपका रिवीजन ठीक से हो जा रहा है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और मैं आपका यहां पर स्वागत करता हूं। आई एम मयंक पाराशर। शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिएगा, अगर हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी क्लास शुरू करते हैं तो ये हमारी आज क्लास आती है नंबर 4। लास्ट अगर हम कुछ क्लासेस के लिए बात करें तो हमने लास्ट अपनी कुछ क्लासेस में सबसे पहले इंट्रो के लिए बात कर ली है। इंट्रो के बाद हमने प्रियम्बल, दैट मींस आपका इंट्रोडक्शन या प्रीफेस जो भी आप कहना चाहें वो कर चुके हैं। शेड्यूल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आर्टिकल्स कहां से कहां तक कितने आते हैं, कैसे आते हैं, कहां कहां उनके चैप्टर हैं, किस किस चैप्टर में वो डील करते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। आज का जो वीडियो हमारा शुरू होगा वो पूरा का पूरा वीडियो बेस्ड होगा हमारे पार्ट वन पर। जो हमारा पार्ट वन हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4। सबसे पहला क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि पार्ट वन या पार्ट्स में जो हमारा कैटेगराइजेशन हुआ है उस कैटेगराइजेशन पर किस तरह से हमें सर स्टडीज करनी चाहिए। तो तरीका ये सबसे अच्छा होता है कि वन बाय वन पार्ट्स को पकड़ते जाइए और आर्टिकल्स को पकड़ते जाइए। जैसे 1 से लेके 51A तक, मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं, 51A तक, यहां तक तो कुछ भी बिना छोड़े ही आप जाएं तो अच्छा होगा। क्यों? रेगुलर में टर्म्स हैं। 1 से 4 आपका यहां पर पार्ट वन में इंडिया, इंडिया की स्टेट्स एंड उनके कल्चर के बारे में कैसे बना, क्या हुआ आज पढ़ेंगे। देन पार्ट टू में 5 से 11 आ जाता है जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं सिटीजनशिप के लिए पूरी तरह से। पार्ट थ्री में आ जाता है 12 से 35 के लिए, 12 to 35 हम अपने फंडामेंटल एफआरएस के लिए चले जाते हैं। Then 36 से लेकर हम 51 तक के लिए बात कर लेते हैं तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के लिए चले जाते हैं, एंड 51A में हम फंडामेंटल ड्यूटीज पर आ जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 51A तक तो ये सारी चीजें वाइंड अप हो जाएंगी। उसके बाद एज पर पोस्ट, किस पोस्ट में किन किन आर्टिकल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल्स के चार्ट किया था, उसमें कैसे कैसे यूज किया, उसको पढ़ने की हमें आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ और डिटेल्स में जाने की आवश्यकता होती है। तो बिना समय खराब करें वापस अपनी आज की क्लास पर। एंड आज का क्लास फर्स्ट ये, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे यूनियन और यूनियन टेरिटरीज के लिए बात करता है या इट्स टेरिटरीज की बात करता है। पार्ट वन आर्टिकल 1 से 4, सबसे पहली बात आती है ये वर्ड यूनियन। यूनियन क्यों? जैसे ये वर्ड एक यूनियन है ऐसे एक और वर्ड आता है, दैट इज यूनाइटेड। अब क्वेश्चन सबसे पहला यही खड़ा होता है कि इंडिया के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं यूनियन, और बाकी कुछ जगह पर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, USSR हुआ करता था जब तक रशिया नहीं टूटा था, या बाकी भी काफी जगह पर यूनाइटेड वर्ड यूज होता है। तो सर चेंज क्या है यूनाइटेड और यूनियन में, ये सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए यहां पर आते हुए। तो यूनियन के लिए बात करते हैं तो इसका मतलब है एक, विदाउट एग्रीमेंट। हम एक हुए हैं बिना किसी एग्रीमेंट के, दैट मींस हम पर कोई भी पावर
किसी भी तरह का लगा दीजिए, हम अलग नहीं हो सकते, हम यूनाइट हैं। जहां पर भी इस तरह की बात होंगी वो यूनियन है। याद करो, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर में पढ़ा था, वो क्वासी फेडरल था, वहां पर हमने यूनिटरी फीचर्स पढ़े थे, सिंगल सिटीजनशिप थी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, सिंगल फ्लैग था, सिंगल सुप्रीम कोर्ट थी, करी थी हमने कुछ ऐसी बातें, वो हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं। अगर मैं इसी में अब आगे के लिए बढ़ता हूं, उधर बाद में चलेंगे, पहले काम की बात इधर कर लेते हैं कि ये यूनाइटेड क्या चीज है। तो यूनाइटेड जो भी आ रहा है वो रिजल्ट है एन एग्रीमेंट, बेसिकली जो उन लोगों ने एग्रीमेंट किया उसका एक रिजल्ट है। एग्जाम्पल, यूएसए में 50 स्टेट्स अप्रॉक्स हैं, तो जब वो स्टेट जैसे चाहें तो इस यूएसए के साथ रहें और चाहें तो अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट से वहां पर जुड़े हैं, वो यूनियन का पार्ट नहीं है। तो पहला आर्टिकल जो आपको समझने की जरूरत थी यहां पर वो यही कि इंडिया इज अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 124 में आएंगी। अब क्वेश्चन आता है, सर ये मैप क्यों लगाया है? देखो, मैप लगाने का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। अगर हम इंडिया की टेरिटरी के लिए बात कर रहे हैं तो भाई जम्मू एंड कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी है। ऊपर लद्दाख एंड कारगिल के लिए बात कर रहे हैं, नीचे आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहां उत्तराखंड यूके के लिए बात कर लेंगे, ये पंजाब आ जाएगा, ये हरियाणा, यहां पर हम राजस्थान के लिए बात करेंगे, ये आपका गुजरात आ जाएगा, ये महाराष्ट्र आ गया, ये गोवा आ गया, ये कर्नाटका आ गया, यहां पर केरला आ जाएगा, ये तमिलनाडु आ जाएगा, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है, यहां पर बात करेंगे ये बिहार आ जाएगा, ये यूपी आ जाएगा, इधर बात कर लेंगे ये एमपी आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ये झारखंड आ जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से देखें, सेम वे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा और नागालैंड आ जाएगा। दीज आर ऑल स्टेट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर स्टेट्स के अलावा? तो भाई एक तो ये आ गया अंडमान्स एंड निकोबार्स, एक इधर आ जाएगा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, पोंडुचेरी, माहेयानम, कराईकल एंड पोंडुचेरी, चार ये आ जाते हैं। दिल्ली आ ही रहा है, चंडीगढ़ आ ही रहा है, दूसरा यूनियन टेरिटरीज में, ये दोनों भी यूनियन टेरिटरीज का ही पार्ट है। आगे के लिए बात कर ले तो हमें यहां दमन एंड दीव के लिए बात होगी, दादर एंड नागर हवेली के लिए बात होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि 28 स्टेट थी, एंड जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज थी, पढ़ा था। अगर हमें उनकी लोकेशन, उनमें होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, लेजिस्लेटिव चेंज, एग्जीक्यूटिव चेंज या उनकी किसी भी फीचर के बारे में पढ़ना है तो उसका बेसिक आर्टिकल हमारा पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से आता है। समझ आया इस मैप की यूटिलाइजेशन क्या है? आपको इंडिया की टेरिटरी समझ में आई कि कहां क्या होगा? आगे के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही फर्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग आते हैं जो कि ये लिखा हुआ है, उसमें वर्ड लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वर्ड लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहां भारत इज इंडिया, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, क्यों? द वर्ड इज फर्स्ट इंडिया, देन उसके लिए बात करी गई है भारत। अब यहां पर एक जीके का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दुनिया का कोई भी नेशन उठा लीजिए, उसका हिंदी में और इंग्लिश में नाम सेम होगा। अगर अमेरिका है तो अमेरिका है, रशिया तो रशिया है, ब्राजील है ब्राजील है, अर्जेंटीना अर्जेंटीना है, पैरागुए पैरागुए, कोई भी दुनिया में, इवन पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
बट अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहां पर इंडिया दैट इज भारत, हिंदी में हमेशा भारत, इंग्लिश में हमेशा इंडिया, ये वर्ड्स का थोड़ा सा खेल है जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ खेला था और वो आज भी कंटिन्यू है क्योंकि वो हमारे आर्टिकल फर्स्ट की फर्स्ट लाइन में लिखा है और वहीं मेंशन किया गया है इज आ शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो हमारे यहां आने वाली ये 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज, STATES, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर हम इनके लिए बात करें तो ये चाहकर भी कभी इस मैप से अलग नहीं हो सकते। तभी चेक करिए हमारा जो ये वाला पार्ट है जिसे आज हम कहते हैं पार्क ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा जो ये वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं अस्काय चीन, ये आज भी इंडिया के मैप में ही शो होता है। इंटरनेशनली कभी भी चाइना या पाकिस्तान इसे अपने मैप में शो नहीं करता भले ही उसके पास आज कब जाए, क्यों? क्योंकि वो हमारे यहां पर ये जो ये वर्ड लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स इसके थ्रू आए हैं। जिस समय आजादी हो रही थी और महाराजा हरि सिंह ने यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को हमें दिया था तो उस समय पर क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट था तो इसमें एक तो अक्सेशन की ट्रीटी पर साइन करना था और एक मर्जर पर करना था, प्रिंसली स्टेट्स को दो पर करना था जबकि बाकी सबको मर्जर पे करना था। तो अब पाकिस्तान और यहां पर मुद्दा यही था जो खत्म हो चुका है, मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी बता रहा हूं कि वो अक्सेशन पर साइन जो थे वो हो गए थे, मर्जर पर साइन नहीं हुए थे, जिसको लेकर ये प्रॉब्लम है। लेकिन स्टिल आज भी पाकिस्तान इसे अपनी टेरिटरी नहीं बोलता है, हम लोग बोलते हैं पार्क ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि पाकिस्तानी साइट्स पे अलग जाके देखिएगा वहां बोलते हैं से आजाद कश्मीर। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये बात ध्यान रखने की है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसके उलट चलो जरा थोड़ा सा, अभी हमने बात करी थी USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया, 1993 से पहले अगर बात करें सब इकट्ठा था लेकिन अचानक से उसमें से कंट्रीज निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो यूनाइटेड थे, वो एक एग्रीमेंट से अपने साथ जुड़े थे। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं इसी को, जब हम इसी में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे सामने वर्ड आता है यूके। यूके के अंदर हम बात करते हैं आज हमारा ब्रिटेन सॉरी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, ये पूरा पार्ट है। लेकिन अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, वहां तो नॉर्थ आयरलैंड है ही नहीं। क्या इन दोनों के बीच में ये क्यों अलग हो गया जबकि ये तो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं सारे? बिकॉज यहां पर वर्ड यूज हो रहा है यूनाइटेड और इंडिया इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन, इंडिया इज अ यूनियन। तो मैं यहां से सब साफ कर देता हूं एक बार और फिर आपको ये बात याद रखनी है आगे के लिए, क्या कि इंडिया इज अ यूनियन और ये वर्ड जो लिखा गया है ये आर्टिकल फर्स्ट की पहली लाइन में ही लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं इंडिया की टेरिटरी क्या क्या करती है कंसिस्ट। तो सबसे पहली बात तो हम बात यही करेंगे हमारी स्टेट्स जितनी भी हैं, जितनी हमारी यूटीज हैं, या वो इलाका एनी टेरिटरी जिसको हम एक्वायर्ड कर लें, जिस पर हमारा कब्जा हो जाए, वो टेरिटरी हमारे यहां पर द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगी। तो ये बात भी याद रखने की है कि हमारे पास तीन तरीके हैं इंडियन टेरिटरी को फाइंड आउट करने के। पहला तरीका सिंपल है, इंडिया या इंडिया की स्टेट्स के बारे में बात कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास है उसकी यूनियन टेरिटरीज की बात कर लें। और तीसरा तरीका है अगर हमने किसी एरिया को एक्वायर्ड कर लिया है तो हम उसकी भी बात यहां कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुई पोजीशन? जैसे ही हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर से एक बार हमें जम्मू एंड कश्मीर को समझना होगा। क्यों समझना होगा? अगर जम्मू एंड कश्मीर जो आज है उसके लिए नहीं बात कर रहे, जो 1929 से पहले था, 1919 से पहले जो था उसमें क्या हुआ,
उसमें इसके पास स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 पर। इस स्पेशल स्टेटस में इसके पास चीजें क्या क्या आई हुई थी, क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहली बात भाई, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। 26 जनवरी 1957 को यह कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया गया था इनका, मतलब इंडिया का पार्ट है और वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखे हुए था, सेपरेट फ्लैग था, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी। तो इस हिसाब से तो कल तमिलनाडु भी मांगेगा, इस हिसाब से तो कल कर्नाटक भी मांगेगा, हम लोग यूपी से आते हैं हम भी मांगेंगे, दूसरे लोग बिहार से आते हैं वो बिहार भी मांगेंगे, वेस्ट बंगाल भी मांगेगा, तो बाकी स्टेट्स को क्यों नहीं मिला था, इसी को क्यों मिला, पहला क्वेश्चन। तो अभी मैंने बताया था ये प्रिंसली स्टेट था और इसने उस समय पर ट्रीटी ऑफ मर्जर पर साइन नहीं हुए थे, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पर साइन हुए थे। क्लियर हुई बात। अगली बात जो आती है यहां पर वो ये कि जो उस समय के प्रोविंसेस थे जो हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पढ़ रहे थे, उनको सिंपल आना था, वो इंडिया में अटैच होते चले गए। तो अब यहां पर ही ये बात पकड़नी है कि इस स्पेशल स्टेटस में जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का एक इशू था वो ये कि हमारे यहां का बंदा वहां जाके कुछ परचेज नहीं कर सकता था, वहां जाके जॉब नहीं कर सकता था, वहां के बेसिकली व्हाट वी कैन से बिजनेस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। हर चीज जो भी हम यहां नॉर्मली कर पाते हैं वो वहां जाके नहीं कर सकते थे। 370 में उनको दिया गया था, 370 में उनको दिया गया था, बट द प्रॉब्लम क्या वो भी इंडिया आके नहीं कर सकते थे? नो, वो आकर कर सकते थे। इसको लेके बड़ा एक गड़बड़ वाला माहौल रहता था, कंफ्यूजन वाला माहौल रहता था। तो ये सारी की सारी दुविधाएं दूर हुई, दैट इज इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2019 में दूर करी और अक्टूबर 31 से आर्टिकल 370 को पूरी तरह हटा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसे स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, एंड उसका भी डिवीजन कर दिया गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एक पार्ट था जबकि दूसरे पार्ट को यहां पर रखा गया लद्दाख एंड कारगिल। तो ये एक चेंज था लास्ट जिसके बाद स्पेशल स्टेटस ऑफ J&K खत्म हो गया था। ये बात यहां लिखी हुई है, रेजोल्यूशन रिपील्ड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अगस्त, द सेम टाइम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज आल्सो पास्ड एंड यूज द कंसल्टेंट ऑफ क्या गया ये यहां पर which is used constitute the state into two union territories that is Jammu and Kashmir and Ladakh. Ladakh के साथ कारगिल को भी associate किया गया। अब यहां पर एक word आया है जिसको फिर से पकड़ने की जरूरत होगी और वही पकड़ जो होगी हमें आगे लेकर जाएगी। सर ये क्या लिख दिया इसने, state reorganization या reorganization। तो बच्चे लोग जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय पर भी हमारे यहां स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और यही चीज नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है उसमें हमें पढ़नी है, दैट मींस आर्टिकल नंबर 2। चढ़ते हैं उसकी तरफ। जैसे हम आर्टिकल 2 में जाते हैं तो लिखा है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। सिंपल सिंपल सी बात है कि जो भी नई स्टेट बनेगी उसका कैसे फॉर्मेशन होगा। अब कैसे से मतलब, सपोज मैंने कहा मैं एक बाउंड्री वॉल कर देता हूं, ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री बना दी हमने, इसलिए मैप लगाया था यहां पर। ठीक, अब ध्यान से देखो जरा, मैंने कहा ये राजस्थान आ गया आपका, और थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं आपको अच्छा दिखेगा, ये गुजरात आ जाएगा, ये महाराष्ट्र आ गया, यहां छत्तीसगढ़ आ गया, ये यूपी आ गया, इस तरीके से लग रखी है बाउंड्री। अब वो ये कहते हैं कि हमें एमपी का हिस्सा कुछ अलग करके एक स्टेट बनाना है, तो एमपी का मैंने कहा सपोज ये वाला हिस्सा ये अलग करना चाह रहे हैं, तो किन्हीं भी दो से तीन स्टेट्स जो भी हैं उनको तोड़कर, उनको यूनाइट करके, या बेसिकली इनको ऐसे नहीं लिखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि मोर देन
वन स्टेट को आपस में ज्वाइन करा के उनका कोई भी पार्ट, मोर देन टू के आपस में कुछ कुछ पार्ट्स को ज्वाइन कराकर, मोर देन थ्री के कुछ कुछ पार्ट को ज्वाइन कराकर आज एक स्टेट क्रिएट की जा सकती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारा आर्टिकल टू कहता है। पार्लियामेंट में भी लॉ एडमिट इन टू द यूनियन एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को लगना चाहिए वो फिट है, दैट मींस इसके लिए एक पैटर्न बनाया गया होगा, एक रूल बनाया गया होगा। एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूं, अगर स्टेट ऑफ सिक्किम की बात करी जाए तो 35th अमेंडमेंट 1974 और 36th अमेंडमेंट 1975 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एडिशन किए गए थे। यूनियन टेरिटरी थी, लेटर ऑन उसको बना दिया गया था एज एन कंप्लीट स्टेट। क्लियर हुई बात? तो अब प्रॉब्लम ये खड़ी है कि सर ये होता कैसे है। तो सबसे पहले पकड़ने की जरूरत है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या कहता है? जिस समय पर देश आजाद हुआ था उस समय पर आपकी स्टेट्स में मार्क कर रहा हूं, दैट इज 1, 2, 3 और 1, 4। ये स्टेट थी पूरी मद्रास। अगर मैं इसे लिख दूं तो ये थी मद्रास, मद्रास, चलिए मद्रास। ठीक, ऊपर वाली स्टेट्स के लिए अगर बात कर लें तो ये थी आंध्र प्रदेश, जो आज भी आंध्र ही है। अगर हम ऊपर चले जाएं तो यहां वाली ये थी, ये था मैसूर स्टेट। और नीचे की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये नीचे वाली स्टेट थी, दैट इज ट्रावनकोर एंड कोची स्टेट के लिए बोला जाता था। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी मद्रास बेसिकली तमिलनैंड है, आंध्र जो है वो बेसिकली तमिलनैंड नहीं है, वो तेलुगु लैंड है। ए सेम वे इधर हमारा जो आता है ट्रावनकोर एंड कोची, ये मलयालम लैंड थी। एंड सेम वे जो मैसूर आता है वो कन्नड़ लैंड थी। अब भाषाओं के आधार पर प्रॉब्लम आने लगी इंडिया में कि एक आदमी भाषा के आधार पर दूसरे को नहीं मान रहा था। कब? 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। इसीलिए जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद डिमांड हुई रीऑर्गेनाइजेशन की, और इस डिमांड में लिंग्विस्टिक बेसिस पर मान लिया गया था कि रीजंस को बांट दिया जाए, जो कि एसके धार कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई फिर सर? प्रॉब्लम ये हुई कि बेटा जैसी ये धार कमीशन की रिकमेंडेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पर कांग्रेस की JVP कमेटी, जे से JL नेहरू साहब हो जाएंगे, वी से वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे एंड पी से पतामी सीतारमैया हो जाएंगे। ठीक है, तो ये JVP कमेटी, इन्होंने कहा नहीं, हमने तो देश के लिए जो फाउंडेशन रखी थी उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन था ही नहीं, तो हम कैसे दे दें? दैट मींस अल्टीमेटली इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, नहीं माना गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया जाए। बट इसकी वजह से हुआ क्या, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसमें गंदे तरीके से वायलेंस शुरू हुआ था, और वही वायलेंस हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से रिकंसिडरेशन के लिए लेकर आया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को दोबारे से रिकंसिडर करा जाए। उसके लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फजल अली के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसमें हिंद्रेनाथ कुंजरू और KM पिनियक्कर, एक बार एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है KM पिनियक्कर और हिंद्रेनाथ कुंजरू का बैकग्राउंड क्या था, तो ये दोनों के दोनों बंदे हिस्टोरियन थे, बेसिकली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते थे, पास्ट को जानते थे अच्छे से। तो फजल अली के अंडर में ये तीन लोगों की बॉडी ने काम किया, एंड काम करने में इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी डिसीजन वही था जो पहले धार कमीशन दे चुका था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड
कर दो, क्योंकि आंध्र प्रदेश एंड मद्रास के बिटवीन रॉयड्स इतना वॉयलेंट हो गए थे कि बड़े लेवल पर मास किलिंग होने लगी थी। ये प्रॉब्लम है। आगे के लिए बात करते हैं, तो फिर क्या हुआ, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट में कमीशन ने रिकमेंड किया क्या कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिओर्गनाइज करें पहला, और आंध्र प्रदेश जो आज हमारा है वो फर्स्ट स्टेट हुआ था रिओर्गनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्वेश्चन आ सकता है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो हमारा यहां पर आंसर जो आएगा वो आएगा दैट इज आंध्र प्रदेश। अब अगर हम इसी में आगे के लिए बात करें तो अगली बात में एक बात और समझ में नहीं आती कि सर उस समय कितनी स्टेट्स बनी होंगी। तो ध्यान से देखो, हमने 27 स्टेट्स थी उस समय पर वेरियस कैटेगरीज में, जिनको 16 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया था, जिनको हमने यहां पर लिखा भी है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान आ जाता है, कच्छ है, सौराष्ट्र है, बॉम्बे है, मैसूर है, केरला है, कोची है, मद्रास है, आंध्रा है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, हैदराबाद है, यूपी है, विंध्या प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये हमारा था ही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान था ये, यहां असम आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना था, त्रिपुरा आ गया और ये सिक्किम आ गया था। इस तरीके से 16 में डिवाइड किया था ये मैप, इसीलिए मैंने जान के लगाया है कि वो 16 कौन से थे, एटलीस्ट आपको पता हो। तो आप लोग सारे ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कहां पर थे। अब क्वेश्चन ये शुरू होता है कि सर ये तो बात समझ में आई कि आर्टिकल 1 में इंडिया एंड इंडिया की टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 2 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड उसके कंसेप्ट को बताया है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, कैसे वो होंगी, वो कहां बताई गई हैं सर? तो तुरंत बढ़ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल नंबर 3। ये सबसे पहली बात यही करता है कि जितनी भी हमारी न्यू स्टेट्स या उनको ऑल्टर करना है, उनकी बाउंड्रीज को बदलना है, उनके नाम को बदलना है जो आज हैं, जैसे पहले उत्तराखंड उत्तरकाशी था, उत्तरांचल हुआ, फिर उत्तराखंड हो गया, आप उड़ीसा को देख लीजिए, उड़ीसा हो गया, पुडुचेरी पुडुचेरी हो गया, अब देख लीजिए बेंगलोर बंगलुरु हो गया, तो ये कैसे नाम चेंज हो रहे हैं, असम जो था वो असोम हो गया, कैसे, हाउ? तो उसके लिए सबसे इजी तरीका ये आर्टिकल 3 कहता है। क्या समझाता है? ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इंपावर करता है पार्लियामेंट को, किस बारे में, कि नया स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ये डिसाइड करके बताए कि उसे करना क्या है, एक बड़े स्टेट को तोड़ के 2-3 हिस्से बनाने हैं, छोटे छोटे 3 स्टेट से हिस्से लेकर एक स्टेट बनाना है, 3 स्टेट्स के थोड़े थोड़े पार्ट को 2 स्टेट्स में बदलना है, मतलब व्हाटसोएवर जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो सारे लग सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि न्यू स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेपरेट टेरिटरी, या तो एक स्टेट से यूनाइट कर लो 2 या मोर स्टेट्स को, उनकी स्टेट्स को यूनाइट कर लो यूनियन टेरिटरी को या किसी स्टेट को, दैट मींस स्टेट स्टेट जोड़ दो, स्टेट को तोड़ लो, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल लो, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पार्लियामेंट उसे पास करे। तो एग्जाम्पल भी तो देख के चलो ना, अभी ये हुआ है, अभी डिस्कस किया था, जम्मू एंड कश्मीर तो एक स्टेट था, उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, इसका मतलब एक्ट ऐसे ही पास किया गया होगा। गॉट इट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर स्टेट्स दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, टू ऑल्टर द बाउंड्री नेम ऑफ एनी स्टेट। ये बड़ी बात है, जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट का चाहे एरिया बदल सकती है, नाम बदल सकती है, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज बदल सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से हो सकता है। आगे ये बिल प्रोसीड कैसे करेगा? अब हमारे यहां पर एक चीज होती है, उसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको समझाता हूं। चीज होती क्या है कि पहले तो आएगा एक बिल,
उस बिल का प्रपोज होगा पहले वो, उसके बाद आगे आते हैं उस बिल पर उसे पास कराना होगा। अब पास कराने के लिए आपको चाहिए मेजॉरिटी। मेजॉरिटी यूजुअली सिंपल मेजॉरिटी हो सकती है, टू थर्ड हो सकती है, टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग हो सकती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अलग अलग तरह की बहुत सारी मेजॉरिटी है इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद ये बिल क्या करेगा, जैसे ही दोनों हाउसेस में पास होगा और एज पर नेचर वो बाद में जाएगा हाईएस्ट अथॉरिटी जो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज प्रेसिडेंट के पास, एंड फाइनली अगर वहां से भी साइन हो जाता है तो हो जाता है। बट यहीं पर एक बात समझनी है, क्या जो यहां पर समझाने के लिए मैंने बात करी थी, क्या देखिएगा, अ बिल गिविंग इफेक्ट एनी और ऑल चेंजेस Started above can introduce in the either house. Either house का मतलब चाहे तो आप उसे लोकसभा में कर लीजिए और चाहे आप उसे राज्यसभा में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट दो तरीके के बिल पर पहले ही साइन कर देता है, याद रखिएगा ये बात। अगर कभी उसके सामने कोई मनी बिल आता है तो वो पहले साइन करेगा, एंड अगर स्टेट ऑल्टरेशन बिल का कोई आता है तो भी उसे पहले ही साइन करने होते हैं, ये इसका कीवर्ड है। बाकी सब में बाद में साइन करता है, बट यहां पर उसे पहले साइन करने होंगे। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में अगर ऐसा हुआ तो पक्की बात है किसी को भी पता नहीं होगा, गवर्नमेंट ने पहले ही प्रेसिडेंट से साइन करा लिए होंगे। क्यों हो? क्योंकि प्रेसिडेंट भी तो उन्हीं के बंदे बैठे थे। That means President सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान के ही तो काम करेंगे, तो easily उनका बिल पहले पास हो गया होगा constituently, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा constituent में उसे। आगे के लिए बात करता हूं, अब इसी में जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो लिखा है सच आ बिल, जैसे ही आएगा वो जिस भी स्टेट की बाउंड्री को, नेम को, या किसी भी तरह से जिस स्टेट को वो इफेक्ट कर रहा है, प्रेजिडेंट कहता है एक बार उसका इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद पार्लियामेंट में वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दो। स्टेट लेजिस्लेचर को एक टाइम दे दिया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उसे अपनी बात कहनी होती है, और वो टाइम विद इन एन ओपिनियन मे बी स्टेट लेजिस्लेचर जो देगा वो किस फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट को आइदर वो फेवर में पास करना पड़ेगा बिल या अगेंस्ट में। अगर फेवर में पास कर रहा है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और अगेंस्ट में जा रहे हैं तो भी सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है अलग अलग तरीके से, क्या कि को स्टेट उसे किस तरह से बात करे, तो स्टेट में उसका आंसर आएगा सिंपल मेजोरिटी। और टाइम चाहे तो प्रेसिडेंट बढ़ा भी सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। बट अब यहां पर एक बात को समझिए, जिस समय लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल जाएगा, हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो जे एंड के में तो उस समय पर इमरजेंसी लगा हुआ था, आर्टिकल 360 लगा हुआ था, स्टेट इमरजेंसी। इसका मतलब सारी पावर किस पर थी, गवर्नर, और गवर्नर डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट को। इसका मतलब इनडायरेक्टली वहां स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट उस समय पर थी ही नहीं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर वहां प्रेजेंस थी ही नहीं। गॉट इट माय पॉइंट। आगे के लिए बढ़ता हूं इसी में, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे फेल या एक्सप्रेस अपना कुछ भी, मतलब वो अपनी ओपिनियन दे दे ना दे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या अपनी होल्ड पर डाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देन इट डीम्ड दैट इट एक्सपीरियंस इन इट्स व्यू, इफ इट सबमिटेड इट्स व्यू विद इन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड एंड एक्सटेंडेड, द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। रट लीजिएगा इस बात को, स्टेट ने कहा भाई हम अलग होना नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर ने बार बार कहा हम नहीं होना चाह रहे, लेकिन स्टिल हो गया ना। इसका मतलब स्टेट चाहे या ना चाहे वो चीज हो सकती है। आगे
फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम, और बिल जो है वो प्रपोज्ड एंड एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा तो किससे? सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है स्टेट इसे किससे पास करेगी, सिंपल मेजोरिटी। अगर क्वेश्चन आता है लोकसभा प्लस राज्यसभा इसे किससे पास करेंगी, तो अगेन सिंपल मेजोरिटी, कोई स्पेशल मेजोरिटी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी बात, सिंपल मेजोरिटी होता क्या है, 50% से ज्यादा जो भी वोट फेवर या अगेंस्ट में आ जाए वो ही कहीं ना कहीं सिंपल मेजोरिटी का पार्ट बनता है। यहां तक किसी को बताइए कोई दिक्कत है क्या? आगे लिखा है यूनियन टेरिटरीज के लिए कोई भी ऐसा बिल स्टेट को भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली कंट्रोल में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। आगे के लिए बात करते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कौन सी स्टेट कब फ्रेम्ड हुई। तो अब यहां पर आता है, कई लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश 1953 में ही बन गई थी सर, जब फजल अली की कमेटी आई थी। नहीं भाई, फजल अली 1953 में बिल्कुल आंध्र को कर गए थे, लेकिन जो एक्ट बना था वो 1956 में बना था, और स्टेट का जो फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंटली हुआ वो 1956 में हुआ आंध्र प्रदेश का। इसके बाद बात करें, केरला को बनाया गया क्योंकि अगेन प्रॉब्लम थी, गुजरात महाराष्ट्र में प्रॉब्लम थी, नागालैंड में प्रॉब्लम थी, हरियाणा, देन फिर आपका हिमाचल, फिर मेघालय आ गया, फिर मणिपुर आ गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, वो आपसे ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है एज पर डेट। वो आपको सिंपल चार स्टेट दे देगा और बोल देगा इनको ऑर्डर में लगाओ एज पर देयर फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होगा तो आप एनडीए में ऑर्डर लगा पाएंगे, और अगर ये ऑर्डर नहीं पता होगा तो क्या लगा पाएंगे क्या? याद रखना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देन फिर कर्नाटक आ जाता है, सिक्किम आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल आता है, गोवा आता है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और आपका झारखंड, ये तीनों के तीनों बीजेपी की फर्स्ट गवर्नमेंट जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टेन्योर में आई थी उसमें हुआ। तेलंगाना मनमोहन सिंह ने 2014 में क्लियर किया, और इसके बारे में तो हम अभी बात कर रहे हैं जे एंड के एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी 2019 में। तो आप बात को समझिएगा, इसी में और एक बात आप कर सकते हैं, दैट इज दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये भी आपस में मर्ज कर दिए गए हैं 2019 में। मतलब ये बेसिक सी वो चीजें हैं छोटी छोटी, जिनको अगर हम याद रखेंगे तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ये श्योर शॉट है, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वो स्टेट फॉर्मेशन की बात कर रहा है, चाहे वो हिस्टोरिकल बेस से ले रहा है आज करंट की बात कर रहा है, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्या कि सबसे पहले प्रेसिडेंट उसको इंट्रोड्यूस, जो भी होगा बिल उस पर साइन कर देंगे इंट्रो पर उसके, देन पार्लियामेंट जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा इसे भेज देंगी सेंड किसके पास, स्टेट्स के पास, जो भी वो स्टेट है उसके पास। स्टेट सिंपल मेजॉरिटी से अपना डिसीजन देगी इसमें कि भाई मैं फेवर में हूं या अगेंस्ट में। अगेन अगर लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की दोनों इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती हैं, तो ये बिल जो यहां से आया था वो पास हो जाता है और वो न्यू स्टेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यही तो फॉर्मेशन आया। जो इसमें ध्यान रखने वाली एक और बात होती है वो ये कि इन दोनों के बिटवीन एक आता है कि अगर स्टेट अपनी ओपिनियन देने में फेल रहा है तो क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, उसकी बात माने ना माने, ये पार्लियामेंट को कहीं बाउंड नहीं किया गया है। दैट मीन्स लोकसभा या राज्यसभा उसकी बात पर रिप्लाई करे, ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। तो आज हमने आर्टिकल 1 पूरा किया, आर्टिकल 2 पूरा किया, आर्टिकल 3 पूरा किया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स किया, पहले कितनी स्टेट्स थी आज कितनी हुई, और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा किया।
इस तरीके से पार्ट वन के जो पहले तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिनसे क्वेश्चन हमेशा उठते हैं वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने पार्ट टू के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप। इंपॉर्टेंट बस इतना याद जरूर रखिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दें, पहला। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। सिंपल, मयंक पाराशर मेरा अपना नाम है, इसी को सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज के लिए फ्रॉम माय साइड इतना ही था, अगली क्लास में फिर कुछ नई चीजों के साथ आपके पास आऊंगा। केवल एनडीए को फोकस करेंगे और हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और स्पेशली एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर चलेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।